Welcome guys to the lecture series of DBMS for SYBACIT semester 3. Last time हम लोगों ने ये जो question है question number 7 यहाँ तक discuss कर लिया था. Today we'll be starting with question number 8. तो what is question number 8 अगर आप देखेंगे, so यहाँ पे दिया है कि write a short note on view of data. Okay, so अब ये view of data क्या है वो समझते हैं. First आपको बोला है कि एक शॉर्ट नोट लिखना है व्यू ऑफ डेटा पे, या डिफरेंट लेवल्स पूछ सकते हैं एग्जाम में जो व्यू ऑफ डेटा है उसके ऊपर. व्यू ऑफ डेटा क्या होता है, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको व्यू लेवल मिलेगा, एक लॉजिकल लेवल मिलता है एंड एक फिजिकल लेवल होता है. ओके, सो इफ यू नोटिस बहुत सिंपल सा ये डायग्राम है, आपको व्यू लेवल दिया है मतलब यूजर्स जो है एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके क्या क्या डेटा फेच कर सकते हैं, वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, हार्ड डिस्क, ठीक है, कौन सा हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा. और हम लोगों के जैसे जो डेवलपर्स हैं ना, वो डेवलपर्स अपने जो क्वेरीज लिखेंगे, टेबल्स बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, वो डेटाबेस जो है ना वो ये लॉजिकल लेवल पे होगा, याद रखिए. तो हम लोग जो डेटाबेस बनाएंगे, जो एग्जांपल्स लिखेंगे, वो सारे आपके ये लेवल पे आएंगे. आई होप समझ में आया आपको. यहाँ पे उसी का सेम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इट टॉक्स अबाउट फीचर्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. कॉड्स रूल एक चीज़ होता है, 12 रूल्स दिए हैं डॉक्टर ईएफ कॉड ने. सो डॉक्टर ईएफ कॉड है जिसने बताया था कि अगर आप ये जो 12 रूल्स है इसको अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपका RDBMS जो बनेगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा, या कोई भी हम लोग जो डेटाबेस बनाएंगे ना, वो काफ़ी लेवल तक एक्यूरेट होगा, ठीक है. सो एक्यूरेसी मेंटेन होगा. नेक्स्ट जो है हम लोगों का ड्यूप्लीकेशन जो है ना, ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा ये कम रहेगा. उसके साथ आप बहुत एफिशिएंटली ये डेटा को बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो दैट इज़ द रीज़न अगर हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो वो टाइम पे डॉक्टर कॉड्स के जो 12 रूल है इसका जो डिस्कशन होना बहुत एक कॉमन सी बात है. तो चलिए समझते हैं. सबसे पहले आपको क्या बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट बोला है डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टेबल. कॉमन सेंस सी बात है, टेबल में ही आएगा. टेबल का मतलब होगा रोज एंड कॉलम. उसके बाद बोला है डेटा विद इन अ कॉलम मस्ट बी एक्सेसिबल बाय स्पेसिफाइंग टेबल नेम. ऑफकोर्स अगर मल्टीपल टेबल है तो हर एक टेबल को हम लोग उसका एक टेबल नेम देंगे और उसी के थ्रू वो डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. प्लस उसके साथ हर एक कॉलम जो रहेगा टेबल में, जैसे एक स्टूडेंट टेबल है तो उसमें रोल नंबर नेम, हर एक कॉलम नेम रहेगा, और उसमें से कोई तो एक टेबल की को हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे, सो दैट हम लोग वो टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट कर सके. आगे समझेंगे प्रैक्टिकली भी हम लोग. DBMS मस्ट सपोर्ट मिसिंग एंड इनएप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक वे. मतलब अगर कोई डेटा, अगर मैंने किसी को बोला है कि आपको अपने TY के परसेंटेज ऐड करने हैं, बट फिलहाल वो स्टूडेंट जो है वो TY क्लियर हुआ ही नहीं है उसका. TY क्लियर नहीं हुआ है मतलब क्या है कि वो अभी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसका जो रिजल्ट वाला जो पार्ट रहेगा, रिजल्ट वाला पार्ट क्या होगा, नल होगा फिलहाल के लिए. नल का मतलब है वैल्यू या तो मिसिंग है ना. नल मीन्स वैल्यू आइदर मिसिंग और वैल्यू इज एक्सपेक्टेड. तो या तो एक्सपेक्टेड होगा या वैल्यू मिसिंग होगा. तो ये दोनों केस में ये जो नल वैल्यू है ना, इसका हैंडलिंग प्रॉपर होना चाहिए, वो ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात किया गया है. देन नेक्स्ट जो है, DBMS मस्ट सपोर्ट मिसिंग वैल्यू इन अ सिस्टमेटिक वे. मस्ट सपोर्ट एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग एज वेल. तो अगर आप अपने डेटाबेस को ऑनलाइन है ना, इंटरनेट से कनेक्ट करके वहाँ से एक्सेस करने की ट्राई करोगे, तो वो टाइम पे भी एक बेटर फैसिलिटी हम लोग के पास होना चाहिए. नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो है कि DBMS मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम विद इन प्रोग्राम्स. तो वो हम लोगों का जो लैंग्वेज है वो है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आप ओरेकल पे यूज़ कर सकते हैं, आप MySQL सॉफ्टवेयर यूज़ करके कर सकते हैं, आप MS SQL सर्वर जो है ना, ये भी अलग से एक DBMS सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर भी आप ये सेम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. तो ये सेम चीज़ की बात की गई है जिसके थ्रू हम लोग डेटा ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंस्ट्रेन मतलब कोई कंडीशन डाल सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना, किसी का रिजल्ट जनरेट करना, उसको पास फेल डिक्लेयर करना, ये सब कर सकते हैं. उसके साथ हम लोग जो है ना, व्यू मस्ट बी अपडेटेड बाय द सिस्टम. तो यहाँ पे हम लोग वो अपडेट भी कर सकते हैं. व्यू का मतलब होता है मिरर इमेज ऑफ अ टेबल, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल में. उसके साथ DBMS मस्ट सपोर्ट इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन एज वेल ऑन ईच एंड एवरी टेबल.
प्लस DBMS मस्ट सपोर्ट लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. ये बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या लॉजिक लिखा है ना उसके बेस पे. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक सेम लॉजिक जो है ना आपका हर एक सॉफ्टवेयर से डेटा फेच करने में काम आ सकता है, तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है. तो आपने एक कोई लॉजिक लिखा उसके बेस के ऊपर आप इजीली और या अलग अलग क्वेरीज लिख के भी आप अपना डेटा फेच कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है ना, इट टॉक्स अबाउट फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. मतलब आपने डेटा कहाँ पे स्टोर किया है, कौन से हार्ड डिस्क पे स्टोर किया है या क्लाउड पे स्टोर किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है. अगर हम लोग DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो वो टाइम पे डेटा फेच होके आना चाहिए. नेक्स्ट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, मतलब करेक्टनेस मेंटेन होना चाहिए. अगर मैंने कोई डेटा अपडेट किया है तो वो सेम अपडेट होना चाहिए. DBMS मस्ट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस. मैं कहीं पे भी वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. कोई भी यूज़र जो ऑथोराइज है वो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है. और उसके साथ नेक्स्ट जो पार्ट है ना, उसमें बोला है कि प्रोवाइड अ लो लेवल इंटरफेस रो एट अ टाइम. तो मतलब एट अ टाइम एक सिंगल सिंगल डेटा के साथ भी हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कहीं पे भी आपका इंटीग्रिटी मतलब करेक्टनेस जो है वो कहीं पे भी बाईपास नहीं होगा. सो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ रिलेशनल मॉडल. नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये क्या बता रहा है, आपको बताना है कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जब भी अगर हम लोग कोई एक रिलेशनल मॉडल यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले क्या बोला है कि आप टेबल में आपस में सारे टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं. मतलब स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट होगा, आप कोई भी टेबल को दूसरे टेबल के साथ ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर आप थोड़ा इसको मैं जूम कर दूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट बोला है वो क्या बोला है, इन रिलेशनल मॉडल चेंजेस इन डेटाबेस स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट डेटा एक्सेस. तो आपने टेबल का डेफिनेशन अगर चेंज किया है, आपने उसमें एक दो न्यू कॉलम अगर ऐड किए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो वे में आप डेटा एक्सेस कर रहे थे, यूजर्स अगर कोई अपना डेटा एक्सेस करेंगे तो कहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा. व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू मेक चेंजेस टू डेटाबेस स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग डेटाबेस कैपेबिलिटी टू एक्सेस द डेटा. एंड उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट अगर आप देखेंगे ना, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस हैज़ बीन अचीव्ड सो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हैव स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंस एज वेल. तो आपका स्ट्रक्चर क्या आपने बनाया है, आपने MySQL पे कहाँ पे क्या बनाया, उसके हिसाब से आप इजीली कहीं पे भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं. स्ट्रक्चर अगर आपका कौन से टाइप का है, कौन से सिस्टम पे आपने उसको बनाया, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका जो डेटा है वो एक्सेस होगा या नहीं होगा. नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल सिम्प्लिसिटी है. अब देखिए कि जब भी अगर हम लोग बात करते हैं ना, ये दो वर्ड्स हम लोगों ने समझे थे अगर आपको याद हो तो, हायरार्कल एंड नेटवर्क, और अगर नहीं पढ़े तो आगे हम लोग वापस डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि जो डिज़ाइनर्स जो है ना वो फिज़िकल लेवल से लॉजिकल लेवल पे या स्टोर कैसे करेगा और वहाँ से फेच कैसे होगा, कौन से टाइप के क्वेरीज आपको लिखने पड़ेंगे और यूज़र्स उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. तो ये कंसेप्ट्स जो है ना, ये कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी आ जाता है जब भी हम लोग DBMS की बात करें. तो आप देखिए कि मैंने है ना प्रैक्टिकल्स के लिए एक इंस्टॉलेशन वाला एक वीडियो डाला है MySQL का, और आगे मैं प्रैक्टिकल्स लेके आऊँगा सो दैट इसके आगे की थियरी हम लोग ईजिली हैंडल कर सके. तो यहाँ पे वही है कि जब भी अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है. आपको इजीली पता चल जाता है कि ये टेबल में से कुछ डेटा फेच होगा, ये टेबल में से कुछ डेटा फेच होगा, तो आपको ये दो टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा. ये बेसिक नॉलेज हम लोगों को आ जाता है धीरे धीरे जैसे हम लोग पढ़ते हैं. तो कंसेप्ट वाइज भी SQL बहुत ज़्यादा सिंपल है. जितना आपका प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट होता है उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये. उसके आगे डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ ईज़, ये भी है. उसके आगे एडहॉक क्वेरी कैपेबिलिटी है. एडहॉक क्वेरी का मतलब होता है आप यहाँ पे बहुत सारे रियल टाइम क्वेरीज भी पास कर सकते हैं. मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ कि अभी अगर कोई एक यूज़र है जिसका सैलरी अभी अगर 5000 है, 5 साल के बाद जब भी उसका इंक्रीमेंट अगर 10% होगा, 20% होगा, तो उसका सैलरी क्या हो सकता है. ऐसे कोई भी आप बहुत सारे पावरफुल क्वेरीज जो है ना वो इसको ईजिली फायर कर सकते हैं. ये मेन इंपॉर्टेंट होता है जब भी अगर हम लोग DBMS की बात करते हैं, इसका ये मेन एडवांटेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट डिसएडवांटेजेस. सो डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके एडवांटेज के सामने डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा माइनर है, ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है. तो जो भी है वो समझ लेते फटाफट. सो सबसे पहले बहुत बार क्या होता है, हार्डवेयर ओवरहेड हो जाता है, इसके लिए हम लोग क्लाउड पे जाते हैं आज के टाइम पे. तो ये पहले के टाइम पे होता था, आज के टाइम पे आप डायरेक्टली क्लाउड पे जा सकते हैं, तो हार्डवेयर ओवरहेड जो है वो नहीं होगा. तो वापस ये देखिए, ये वाला जो डिसएडवांटेज है ये तो अभी बहुत लेवल तक ओवरकम हो गया. ईज ऑफ डिज़ाइन कैन लीड फॉर बैड डिज़ाइन एज वेल. बहुत बार आप जब
कभी मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करता है ना, एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ, तो ये इजी एक फिनोमिना तो है, लेकिन कभी कभी ये ही कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा बढ़ा देता है. तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन इसको भी हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं, तो ये भी कोई इतना बड़ा नहीं है. इन्फॉर्मेशनल आइलैंड मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर तो किया है लेकिन आप कभी उसको वापस एक्सेस कर ही नहीं रहे हो, तो एक आइलैंड स्ट्रक्चर हो जाता है कि यहाँ पे एक आइलैंड है, अलग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक आइलैंड है जिस पे अलग इन्फॉर्मेशन है. आइलैंड समझते हैं, टुकड़े टुकड़े में होता है ना, सी में अगर आप जाएंगे तो दूर दूर होता है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं होता है ये दोनों के बीच में. तो सिमिलर वे में कभी कभी क्या होता है, मैंने TY सपोज BSCIT स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया है, तो एक किसी ने यहाँ पे डेटा थोड़ा स्टोर किया है रिजल्ट रिलेटेड, एक किसी ने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर किया है, अब ये दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो ये वापस हम लोगों का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन आइलैंड फिनोमेना बोलते हैं. कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम आर ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड यूज, दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन वेयर टू मैनी पीपल और डिपार्टमेंट कैन क्रिएट देयर ओन डेटाबेस. और यही प्रॉब्लम होता है, तो हर एक ने अपना एक डेटाबेस बना दिया है और उसका लोकेशन दूसरे डेटाबेस से अलग है, तो आपस में कनेक्टिविटी है ही नहीं, एक डेटा यहाँ पे, एक डेटा यहाँ पे, जिसमें बहुत सारा सिमिलर टाइप का डेटा रहेगा लेकिन आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वजह से पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या डेटा है. तो ये मेरा एक आइलैंड हो गया, ये आइलैंड हो गया, तो इसको हम लोग एक लॉजिकली ये वे में बात करते हैं इसका. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिफाइनिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल. क्या क्या होते हैं समझ से फटाफट से. सॉरी, इसके आगे का जो पार्ट है ना, ये मैं प्रैक्टिकल्स के वीडियो लाऊंगा, उसके बाद ये थियोरी में डिस्कस करूंगा, बिकॉज उसके साथ आपको ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 12 से मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, और उसके साथ अभी मैं एक प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन, MySQL इंस्टॉलेशन का वीडियो डाल रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर लीजिए, और बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और वो जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे उसके साथ हम लोग फिर थियरी डिस्कस करेंगे, सो आपको और फटाफट समझ में आएगा और हम लोगों का सिलेबस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय.